हेलो एवरीवन, आज हम रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. रिडॉक्स की टू वर्ड से मिलके बना है रेड प्लस ऑक्स. रेड प्लस ऑक्स. रेड मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन. ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन. मीन्स रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसमें रिडक्शन भी होती है एंड ऑक्सीडेशन भी होती है. अब ये रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. रिडक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. फर्स्ट वन ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वो रिएक्शंस होती है जिसमें एडिशन होता है ऑक्सीजन का और रिमूवल होता है हाइड्रोजन का. एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे. एग्जाम्पल फर्स्ट वन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एग्जाम्पल देख लीजिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विच इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सेकेंड वन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोआयोडिक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी एंड आयोडाइड आयन फ्री हो जाएगा. ठीक है, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. अब हम बैलेंस भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड टू टू फॉर्म बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड हियर टू. ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. एंड इसका एक अनदर कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सेकंड वन है रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन हमने पढ़ लिया एंड सेकंड वन रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का अपोजिट है. रिडक्शन मींस यहाँ पे जिसका रिमूवल है ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में उसका एडिशन है. दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का देख लेते हैं पहले. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन. हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ एड हो जाएगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसे भी बैलेंस कर देते हैं. ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स रिडक्शन. सेकेंड में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑफ ऑक्सीजन, इसके लिए भी देख लेते हैं. कॉपर ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम. जब कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है. दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. एंड इट्स अनदर कंसेप्ट फॉर रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. टोटली अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, अब नेक्स्ट वन आता है कि अब हमने ऑक्सीडेशन भी पढ़ ली एंड रिडक्शन भी पढ़ ली. तो मैंने आपको बताया पहले ही स्टार्टिंग में कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होती है एंड रिडक्शन भी होती है उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस. रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन, इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, reduction and oxidation occurs simultaneously, occurs simultaneously. Understand? अब आप इसे easily example के through समझेंगे. ठीक है, for example जैसे हमने लिया lead oxide plus carbon. lead oxide जब carbon के साथ react करता है it forms lead plus carbon डाइऑक्साइड. अब आपको इस रिएक्शन से पता लग रहा है कि कहाँ पे रिडक्शन हो रही है और कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है. मींस यहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन, एंड हियर
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीडेशन. अंडरस्टैंड. अब नेक्स्ट वन आता है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स. तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ये भी आपको एग्जांपल के थ्रू इजीली पता चल जाएगा. इस एग्जांपल में देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो दूसरे केमिकल्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं रिड्यूस हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे लेड ऑक्साइड है ये यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और ये ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ एड हो जा रही है. तो मीन्स ये खुद तो क्या हो जा रहा है रिड्यूस हो जा रहा है बट दूसरे केमिकल को क्या कर दे रहा है ऑक्सीडाइज्ड कर दे रहा है. दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर केमिकल बट रिड्यूस इट्सेल्फ. Understand that are called oxidizing agent. Next one, reducing agent. ये oxidizing के opposite है. Means the substances which reduce other chemical. But oxidized itself. Means, ये दूसरे केमिकल को रिड्यूस कर देगा और खुद क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड. मीन्स देखो यहाँ पे क्या हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन. खुद तो क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है बट दूसरे केमिकल को क्या कर दे रहा है ऑक्सीडाइज्ड कर दे रहा है. तो जहां पे मैंने डेफिनेशन लिखा है कि रिड्यूस अदर केमिकल बट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ ठीक है दैट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा इजीली कि जहां पे रिडक्शन होगी वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एंड जहां पे ऑक्सीडेशन होगी वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा. ओके तो आज हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन. दैट्स ऑल.